दुआ है जो आपने फरमाई और हमें सिखाई, उस दुआ में अल्लाह ताला ने अल्लाह ताला से जो चीज मांगने के लिए फरमाया वो दिल की कैफियत है कि अल्लाह ताला मुझे ऐसा दिल अदा फरमा। अब हाथ मुखबतन मुनीबतन तीन सिफात बयान फरमाई खुल्फ के बारे में कि हर इंसान को अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि इस किस्म का दिल अल्लाह पाक हमें अता फरमाए। वजह यह है कि सारे में दीन है हमारा दोस्तों, वो मुनहसर करता है इंसान के दिल पर, दिल पर इंसान का सारा दिन चलता है, दिल ही काफिर होता है, दिल ही मुनाफिक होता है और दिल ही मुसलमान होता है। जहर से इंसान नहीं बल्कि दिल से, कलमा भी दिल से ही पढ़ा जाता है, तौबा भी दिल ही से की जाती है, समर्थता भी दिल ही है और अल्लाह से मोहब्बत भी दिल ही करता है। पूरे जिस्म में अल्लाह ने बड़ी बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं। आँख ना होती तुम कैसे देखते, हाथ ना होते तुम कैसे इस्तेमाल करते चीज़ें, कदम ना होते तुम कैसे चलते। गोया कि अब सिस्टम तो इतना है कि खैर मेडिकल से आप रिपोर्ट ले लें, स्कैन करा लें, तब भी आप नहीं पहचान सकेंगे कितनी नसें, कितना काम, कैसे हमारा जिस्म कर रहा है। हर चीज़ बड़ी नेमत अल्लाह ने दी, थोड़ी सी चीज़ बिगड़ जाए जिस्म की तो पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है इंसान का, लेकिन तमाम पूरे जिस्म में अल्लाह ताला ने जो सबसे कीमती चीज़ रखी है वो इंसान का दिल है। फेफड़े सही काम करते रहें अल्लाह से तो नहीं मिलाएंगे, किडनी सही काम करती रहे अल्लाह से तो नहीं मिलाएगी, पेट सही काम कर रहे खाएंगी ज़्यादा अल्लाह से तो नहीं मिलाएगा। वो है कि हर जिस्म का जो भी हिस्सा इस्तेमाल करते हैं ये सुभान अल्लाह, दिल ऐसा है कि उसको सही कर ले तो अल्लाह से मिला देता है, अपने रब तक पहुंचा देता है। अफसोस की बात यह है कि शैतान भी सबसे ज़्यादा हमला इंसान के दिल पर करता है, उसी को काबू करता है। वो जो अल्लाह से उसने कहा था अल्लाह ताला मुझे मोहलत दे तेरे बंदों को मैं गुमराह करूंगा, तो उसने सोच समझ के बात की थी ना। वो भी तो बहुत तेज आदमी, शैतान को ऐसा तो नहीं आलम भी था, वो तो बहुत समझे समझे इस चीज़ थी।
फरिश्तों को पढ़ाता था, मुरत मांग रही अल्लाह से, जगह खुद इंतखाब की उसने, ऐसा चीज देखी। अल्लाह से क्या आप मुझे मोहलत दे दें तो ये बंदों को गुमराह करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अल्लाह ने कहा ठीक है, मोहलत है। तो पूरे जिस्म में उसने गुमराह करने की जो मुंतखब की ना जगह, वो इंसान का दिल था। उसको पता था अगर इस दिल को मैंने काबू कर लिया तो पूरा इंसान मेरे काबू आ जाएगा, जो चाहेगा मैं उससे करा लूंगा, दिल पर कंट्रोल से करना। तो मेरे भाई, हम ये बातें सुनते हैं, हदीस में है, कुरान में है, तो इसका तो एक हल ये जो साफ बताया जा रहा है, अगर सच्चे दीन पे चलना है, नफाक से बचना है, मुसलमान होना है, कब्र में जवाब देने हैं, अपनी इबादत को कबूल फरमाना है, तो उसका एक ही हल है, इंसान अपने दिल को सही करे, दिल को सही करे। नबी करीम सुन के हदीस मुबारक है कि पूरे जिस्म के अंदर इंसान का एक गोश का लम थोड़ा है, अगर वो सही हो गया तो पूरा जिस्म सही हो गया। हम आपको कैसे कहेंगे कि जना ना कर, गैर महरूम का ना देख, गलत चीज़ें ना देख, आँख हमारे कंट्रोल में नहीं आती। हाथ को हम कैसे रोकेंगे कि तू गलत काम ना कर, पेट को हम कैसे कहेंगे हराम ना कर, जबान को कैसे रोकेंगे कि तू गाली ना दे। एक दिल को आप सही कर लें, पूरी चीज को कंट्रोल कर लेगा। दिल सही हो तो सवाल ही पैदा होता आँख गलत काम कर जाए, दिल सही हो तो सवाल ही पैदा होता हाथ को गलत काम कर जाए, दिल सही हो तो सवाल ही पैदा होता आप हराम खा लें। असल मामला जो बिगड़ता है ना सारा हमारा, जी नमाज नहीं पढ़ते, दुआ करें नमाज हो जाए, जी फना हो जाए, इस नहीं करता, कोई वजू नहीं है। किसी इंसान ने सही होना है, किसी को सही करना है, सीधा उसका इलाज एक है, उसके दिल को सही करते हैं, उसके कल्ब को सही करते हैं। अल्लाह वालों ने इस नुक्ते को समझा है, तो खानकाओं में यही काम करते हैं, वो सीधा दिल पर ही जाते हैं, कहीं और इंजेक्शन लगता दिल को काबू करते हैं इंसान। रिलीफ है। अब देखें अल्लाह के नबी ने कैसी, अल्लाह ताला मुझे फेफड़े की दुआ नहीं मांगी, किडनी की दुआ नहीं मांगी, बेहतरीन किडनी दे, बेहतरीन पेट दे, कल्ब की दुआ में अब वहा मुखबतन मनी बतन, ऐ मेरे मौला ऐसा दिल जे कैसा, अब वहा मुखबतन मनी बतन, गिड़गिड़ाने वाला हो, आहुजारी करने वाला हो और तेरी तरफ रुजू करने वाला हो। कितनी प्यारी सिफात हैं दिल की, अगर हमारे अंदर आ जाए, कितनी प्यारी सिफात हैं हम देखें। रोना इंसान नहीं रोता है, दिल रोता है, और इतनी बड़ी सिफत है ये रोना कि अल्लाह की रहमत को एकदम मुतवज्जा कर लेती है, बहुत बड़ी सिफत है। हदीस में कि एक शख्स जो जिक्र भी करता होगा और तन्हाई में करता होगा, और तन्हाई में जिक्र करते करते उसकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हों, तो अल्लाह ने बहुत बड़ा इनाम बताया इसका, इस तीन सिफत कि जिक्र करता हो तन्हाई में बैठ के, तबत्तुल तब्तीला बस को सब भी कहो तबत्त कौन कहता ना कि मेरा नाम ले, यानी मेरे नाम से जिक्र कर। कौन सा नाम? सिफाती नाम नहीं, जाती नाम अल्लाह। इसका बस को सुना, मेरे नाम को याद कर और तबत्तुल तब्तीला सबसे अलग थलग हो को याद कर, तन्हाई में चला जाओ। ये अल्लाह ताला कह रहा है, मुझे ये इंसान की बंदे की अदा बहुत पसंद है। तो एक और चीज़ है कि जब ये काम इंसान करे तो इस काम तक पहुंचते हैं ना कि तनाई भी हो और जिक्र भी हो, फिर एक काम उसमें पैदा हो जाता है ऑटोमेटिकली। क्या? कि उसकी आंखों से आंसू जाने होने शुरू हो जाते हैं, आंखें भीगना शुरू हो जाती हैं, नमी आ जाती है। वजह क्या है कि बहुत बड़ा समझो अल्लाह ने इनाम दे दिया जिक्र को, जिसके हदीस में बयान फरमाया कि जब ये कैफियत पैदा हो जाए कि जिक्र करते हुए इंसान की आंखें भीग जाएं, आंखों में नरमी आ जाए, तो बहुत बड़ा मुकाम उसको हासिल हो गया। अल्लाह कहता है मैं वादा करता हूँ ऐसे शख्स का जिसकी ये कैफियत होगी, उसको कल रोज़े क़यामत में मैं उसको क़यामत की सख्तियों से बचाऊंगा, निजात दूंगा।
बल्कि अपने अर्श के नीचे उसको जगह दूंगा। कभी हम इसे सोचे, इस पर मेहनत करें कि कौन करेगा, यह हदीसें किसके लिए हैं, ये किसको सुनाने अल्लाह के नबी। जानवर तो नहीं है, अल्लाह ने हमें शऊर दी है, सब पता की है। जिंदगी कितनी तेजी से इंसान गुजर रही है आप मुझे बताएं, कितनी तेजी से गुजर रही है। आज का दिन गया, कब नहीं आएगा, उम्र का एक हिस्सा खत्म हो गया। क्या कमाया, दुनिया कमाई, दुनिया कमाई, दुनिया सोचा, दुनिया के बारे में, दुनिया के बारे में, दुनिया के बारे में, हर सुबह शाम तक हमारे सिवाय इस गमों के कुछ भी नहीं होता। बस आने वाली जगह, अब बताएं क़यामत का दिन कितना, और 50,000 साल का दिन होगा, 50,000 साल का दिन भी आम दिन नहीं होगा, कभी देखा नहीं होगा ऐसे दिन। सारी दुनिया के जलजले जमा कर लें आप, सारी दुनिया के एटम बम जमा कर दें, सारी दुनिया के सैलाब जमा कर दें, तहस नहस कर दें इस दुनिया को, वो भी उस क़यामत के मुकाबले में एक ज़र्रे के बराबर होगी। ये हमने देखना है, ये दिन हमारे सामने आएगा। इन्नक ला तखल्फुल मियाद, अल्लाह जिस बातों को बयान फरमाते हैं कुरान में, कुछ यकीन होने वाली है। मेरे भाई, मैंने और आपने इसकी क्या तैयारी की, बताया क्या तैयारी की, अमल नहीं बताया हमें, कितना अच्छा और कितना कीमती हमें बताया। आप सोचें जरा, हम इस पकड़ लें इसको, कौन लोग होंगे ये ऐसे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं एक शख्स होगा क्यामत, एक शख्स होगा क्यामत में, शख्स में औरत भी हो सकती है, मर्द भी हो सकता है, नूर के बिंबर पर बैठा होगा क्यामत के रोज। बताएं 50,000 साल का दिन, सब तबाह, जमीन तांबे की, सूरज नीचे उतर आया, अपने अपने पसीनों में डूबे हुए, अफरत, इसका तो कोई मुकाम ही नहीं कि बताए, कोई मिसाल ही नहीं उसकी तबाही का, क्यामत आदमी दे नहीं सकता। एक जलजला आ जाए तो मुसीबत आ जाती है, हमें सुना पिटना शुरू करते, मकान गया, फला गया, उड़ गया, आदमी दब गए, निकल आया, तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, तो क़यामत होगी। वो एक दिन 50,000 ईयर के ऊपर नहीं, कितना बड़ा एक दिन होंगे उस 50,000 साल भी, ये बता रहे हैं नबी अल्लाह ने भी। लेकिन पत्थर है हम लोग, पत्थर, बिल्कुल पत्थर। कितनी प्यारी बात है, आप सोचें जरा, किस पर होगा, मिंबर, नूर के मिंबर पर होगा, और उसका चेहरा जो होगा वो चांद की रोशनी से, चमक से भी कहीं ज्यादा चमकता होगा। मिसाल दी इसकी, और उसकी कैफियत, ना उसको कोई गम होगा, ना कोई परेशानी होगी, बिल्कुल मस्त होगा, अल्हम्दुलिल्लाह, मुतमईन, उस जगह पर, उस मुकाम पर, उस हालत में। आप सोचिए कितनी बड़ी कैफियत बताई है कि ये इंसान आज चाहे तो ये कैफियत पैदा कर सकता है। वो कौन होगा शख्स, वो शख्स वो होगा जिसने अल्लाह के नबी पर यकीन कर लिया होगा इस बात पर, और जो इस चीज तक इंसान को पहुंचाने वाली चीज होगी कल रोजे क़यामत पर, उसको सब पकड़ लिया होगा समल को। जाहिर इतनी बड़ी बात पता चल जाए इंसान को, तो फिर तो सारी जिंदगी इंसान उस चीज पर लगा देता है, यार कल ये वक्त आने वाला है, मेरा तो ये मुकाम हो जाएगा, अल्लाह ताला मुझे मुकाम अता फरमा देंगे, तो मुझे अब किस चीज का गम है कि नूर के मिंबर पर बैठा होगा, चौदहवीं की तरह चांद में चमक रहा होगा, और जहां ना मुझे कोई गम होगा, ना फिक्र, ना कोई हिसाब किताब, मुझे न गर्मी लगेगी, ना सर्दी लगेगी, वहां मुझे पता ही कुछ नहीं होगा, सारी मखलूक चीखेगी उस बंदे के बारे में, इंसान के बारे में, ये कौन लोग हैं, ये क्या है, ये कोई फरिश्ते हैं, ये कोई नबी है, ये कौन लोग हैं। जी हाँ, ये वो लोग होंगे जिन्होंने मेहनत की होगी, जिन्होंने कोशिश कर ली होगी इस बात पर, उस अमल को पकड़ लिया होगा, उस पर लग गए होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी लगा दी होगी, समझ गए होंगे ये दुनिया जो है, हमें अल्लाह ने इस दुनिया में जो भेजा है, सारे मकसद जो फेल हो चुके हैं इसके मुकाबले में, हमें भेजे इसकी तैयारी में, हम इस दिन की तैयारी कर लें। और जिस आदमी ने इसकी तैयारी की होगी, यहां मौत होगी उसके, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सोचते उसको क्या फिक्र होगा। तो मुझे और आपको नहीं चाहिए, हमने नहीं मरना,
कि इतनी बड़ी हदीस हमारे सामने आ रही है, अल्लाह अल्लाह के नबी बयान फरमा रहे हैं कि तुमने ये होना है, तुमने ये मुकाम हासिल करना है, तो कर सकते हो, कर सकोगे। दुनिया हैरान हो जाएगी आप पर, आज वक्त है तुम्हारा, कमाओ कुछ, वक्त को जाया ना करो, कुछ कर लो। ये पैगाम है, ये मैसेज है जो हदीस के जरिए दिए गए। कहां तक कमाई के लिए हम जाएंगे, देखें दुनिया छोड़ के फला मुल्क चलाओ, फला मुल्क से जाओ, वहां करेंसी ज्यादा है, वहां पैसे ज्यादा है, वहां माल ज्यादा है, आखिर चलते चलते क्या राख मुतका से हद तजुर तुम होगी बर्बाद जिंदगी कर दी, आखिर खबर की मिट्टी इंसान की आ गई। तो भाई मेहनत करें, इस जिंदगी को समझें, हम किसी मकसद के लिए हैं। अल्लाह खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, पेट भर रहा है, सब कुछ कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मकसद की तरफ भागे हम, किस मुकाम को हासिल करें जो इतना बड़ा मुकाम अल्लाह के नबी ने बताया। चल कौन है ये, कौन हो गए, हम बता ताकि हम भी इस अमल को करें, हम भी कर सकें। तो जवाब आता है अल्लाह की तरफ से, इनका मल था, इन्होंने यकीन कर लिया था मेरी बात पर। कौन है ये आदमी, फरमाया ये आदमी में जो है अल्लाह का जिक्र करता था, कुछ नहीं कहा। इस मुकाम पर सिर्फ वो है इंसान जिसने क्या किया, अल्लाह का जिक्र अख्तियार कर लिया, उसको नहीं छोड़ा सा। बस इतना अल्लाह का जिक्र कसर से करता था ये शख्स, सुभान अल्लाह, समझ गया कि नुक्ते की चीज है, बस खत्म। आज मुझे आपको चीज पता चल रही है, बस खत्म, मामले खत्म हो गए, शॉर्टकट पकड़ ले अल्लाह के जिक्र को मजबूती से, क्योंकि धोखा है ही नहीं सामने। तुम्हें इसने इतने कसर से जिक्र किया, अल्लाह फरमाते हैं इतनी कसर से जिक्र, जिक्र करने वाला आदमी है आप जो देख रहे हैं, इसने इतनी कसर से जिक्र किया है कि मेरी रहमत ने इसको तमाम जितने भी मराहिल थे काम से उस सबसे निजात दे दी इसको। जी हमें सोचना चाहिए इस बारे में, बस हमें चाहिए कि भाई हम जिक्र की मजलिस से, तो मैं चंद आदि से आपको सुना रहा हूं, अल्लाह के जिक्र की तरफ चले। अब कितनी जिंदगी हम धोखा खाएंगे इस चीज का, और कितना आसान अमल बताया है, कितना आसान अमल है जिसमें कोई आपको दुश्वारी है ही नहीं, मेहनत है ही नहीं, शर्तें भी नहीं है उसकी, कोई शरायत भी नहीं है, बस एक शर्त उसकी कि जाओ किसी अल्लाह वाले से जिक्र सीख लो। फारिग हो जी, मैं तो आइलैंड रहता हूं, कोई बात नहीं, तुम जाओ जिक्र सीखो, आइलैंड चले जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र करते रहो। मैं तो फला मुल्क में, कोई बात नहीं, फासलों का कोई मामला नहीं है, अल्लाह ताला कहते हैं मामला तो ये है कि जहां से तुझे अल्लाह का जिक्र मिलता है सीख जा, किस तरह बस चला जा, कल्ब को जारी करा जा अपने, बस फिर सिंसियर होके जो तुझे बताए जितना बताए वो करता रहे, बस तू जाकिरीन में उठेगा, और जो इनाम अल्लाह बता रहा है रोजे क़यामत में कि क़यामत की सख्ती से तुझे अल्लाह वादा करता है कि तुझे निजात दे देगा। जिक्र करने वाला शख्स पक्का नमाजी उठेगा, पक्का तलावत कुरान करने वाला उठेगा, पक्का रोजे रखने वाला उठेगा, पक्का हज करने वाला उठेगा, अंदर से बाहर से पूरे करेक्टर के साथ अल्लाह ताला उसको उठाएगा, जबन्नत लेके गारंटी है, साफ करेगा उसको, अव्वातन मुखबतन मुनीबतन, दिल को ऐसे बना देगा कि गिड़िया करेगा, रोएगा, फरियाद करेगा अल्लाह की याद के अंदर, दुनिया निकल जाएगी उसकी। लोग दुनिया के लिए रोते हैं लेकिन वो दिल अल्लाह के लिए रोएगा। लोगों का दिल जो है दुनिया के लिए परेशान होते हैं, उसका दिल जो है वो अपने अल्लाह के मिलने के लिए परेशान होगा, मुलाकात के लिए परेशान होगा, रुख बदल जाता है, और जिस दिल को रोना आ जाए सुभान अल्लाह वो तो अजीम दिल बन जाता है। और हदीस में बताया ना कि रब रोना किसे आएगा, जिक्र से आते इंसान के दिल में। रोना बहुत बड़ी नेमत है, एकदम अल्लाह की रहमत को खींचती, याद रखें। हमारे इतने दिल सख्त हैं, कभी हाथ उठाते हैं रोना आया दुआ में, कुरान पढ़ते हुए कभी रोना आता है, 15 सिपारे पढ़ लिए, 10 सिपारे पढ़ती, कहीं एक आयत में कभी रोना आ गया, आंसू टपक गया आयत पढ़ के, पूरे कुरान से भी सारा ऊंचा स्वाब इंसान को मिल जाता है। अब इस पर स्वाब नहीं है 15 पढ़ लिए 16 पढ़ लिए, नहीं, किस तरीके साथ पढ़ाइए तो देखें ना कैसी कैसी अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बातें बताई हैं, दिल फट जाता है इंसान का जिसका दिल बना हुआ हो।
कभी रोना आया? नहीं है। वही कि वाकई आ गया, रोने पर वाकई आपको सुना देता हूँ, चलते चलते बात ध्यान में आ गई। एक अल्लाह वाले थे, अल्लाह वालों के मामले अजीब ही होते हैं, होते फिर तुम कह गए अजीब अंदाज था कि जो भी उनके पास आता जी मुझे इतने पैसे दे दें, वो पैसे दे देते, होते तो ही नहीं उनके पास। वो क्या करते कि जो बस्ती का अमीर आदमी होता कहता है यार तुम मुझे इतने पैसे दे दो मैं तुम्हें दे दूंगा, वो कहते अल्लाह वाला आदमी वो दे देते पैसे, वो उसको जो आए मांगने वाला था वो उसको अदा कर देते, तो भूख वाला आया उसको भूख खाना खिला दिया, सारी दुनिया को पैसे बांटते रहते थे इस तरह, और बांटते कैसे थे लोगों से उधार लेकर। अजीब अजीब मामले थे, लेकिन खाली नहीं जान देते थे किसी आदमी को, बोले सुभान अल्लाह, अपने दस्तखान से कोई खाली नहीं, जैसे वो मांगने वाला है कि यार मुझे दो पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, उधार चढ़ा जा रहे हैं उनके ऊपर, इतने लोगों को उधार चढ़ गया। आखिरी वक्त आ गया, अफराश हो गए, अब लोगों को पता चला कि हजरत तो जाने वाले हैं, उनके तो इंतकाल का वक्त आ गया, सख्त बीमार हैं, वो सारे कर्ज खारिज थे उसे वहां जमा हो गए, तो आगे बैठ गए, हजरत हमारे पैसों में क्या हुआ, आप तो जा रहे हैं तशरीफ ले जा रहे हैं, कहते हैं मिल जाएंगे क्यों घबराए हो, और फिर कलूदगी में चले जाते थे, फिर आँख खुलती उनकी तो फिर देखो आदमी बैठे हैं चारों तरफ, कहते हमारे पैसों में क्या होगा, कहते तसल्ली करो मिल जाएंगे, क्यों शोर मचे, यकीन नहीं, अब वो क्या कर सकते बेचारे, बड़े सख्त परेशान, किसे कितना पैसा फंसा हुआ, किसे कितना पैसा फंसा हुआ, अब पता था यहाँ तो मशीन ख़त्म हो गई है, अब क्या करें। तो इतने में एक गली में आवाज़ आई कि हलवा बेच रहा था बच्चे की, जिसको बेचते हैं ना गली में आवाज़, बहुत मीठा हलवा है, बड़ा अच्छा हलवा है, अभी बनाया, ताज़ा बनाया, थाल के अंदर से हलवा रखा, तुम की आँख खुली, कहते ये कौन है, कहते ये बच्चा ये हलवा बेच रहा है, कहते बुलाओ बुलाओ मेरे मेहमान आए हैं, मैं उनको हलवा तो खिला दूँ। वो बच्चे को बुलाया कि हलवा बेचना है, तो मैंने कहा जी मैं तो बेचने के लिए, मेरी अम्मी ने बनाया, बच्चा था छोटा, कह ठीक है भाई हम तेरा खरीद लेते हैं हलवा, तो उनको खिला दो सब, वो सारे बेचारे जो आए थे मेहमान, वो जो पैसे लेने आए थे वो सब ने हलवा खा लिए, और बच्चे ने कहा ठीक है बड़ा कह जी हजरत मेरे पैसे, कहते पैसे तो नहीं सारे पैसे मांगने वाले हैं, तू भी बैठे उनके साथ, ये क्या मामला हो भाई, मैं तो अपनी वापिस जाना है अपनी माँ को, मैं क्या जवाब दूंगा, बैठ जाए ये भी इंतजार करें तू भी कर ले, जो बैठे थे सारे तो वो भी बेचारा बैठ गया, उसने पता नहीं कि आने वाले होंगे पैसे, अब देखा वहाँ कहाँ पैसे, घंटा हो गया मैं वो रोने लगा, कोई रोया नहीं, कौन रोता है, बच्चे ने रोने शुरू कर दिया, कह मैं तो क्या कहूँगा मेरे पैसे दें, मेरी तो पिटाई होगी ये होगी, जिस वक्त रोने शुरू किया तो हजरत ने आँख खोली, आँखों की हाँ अब काम बना, फिर उसी वक्त दरवाजे पे ठक ठक हो गई, जी कौन है, कि जी फलां फलां जो सेठ अमीर हैं चौधरी साहब हैं उन्होंने आपके लिए हदिया भेजा है, अल्लाह के वास्ते आप ये हदिया हमारा कबूल फरमा लें, अल्लाह वाले जो हदिया देते हैं ये नहीं कहें दे रहे हैं नहीं, बल्कि ये भी रिक्वेस्ट होती है कि हमारे इस हदिये को कबूल फरमा लें, बहुत बड़ी नेमत है ये भी कि अल्लाह वाले आपकी किसी हदिये को कबूल फरमा लें, ये सुना है मैंने बुजुर्गों से, क्योंकि वो तो मुस्तनद ऊंची चीज़ बन जाती है ना हदिये, जो अल्लाह वालों के कबूल फरमा लें कोई चीज़, तो उसने कहा ये फरान भेजा रिक्वेस्ट की कि अल्लाह के वास्ते आप मेरे इस हदिये को कबूल फरमाए, कहना हमने कबूल किया अंदर लिया, मुझे पता है क्या हुआ, अंदर लाए तो पैसे सारे, उनका चले तकसीम करना शुरू करो, जिनके कर्जे थे उतारो कर्जे, हजरत किस चरपाई बैठे कह रहे हैं, कहना सबसे पहले बच्चे को देना, कहीं बच्चे क्यों देना हम तो पुराने हैं, कहते हैं पैसे सबको मिलेंगे लेकिन बच्चा सबसे पहले स्टार्ट बच्चे से करें, इस बच्चे को दे, अब ये बड़ी नसीहत थी, बच्चे क्यों दे, कहते तुम सब जो थे वो लेने वाले थे और ये रोने वाला था, रोने के बता रहा हूँ कितनी बड़ी चीज है रोना, कहते तुम सब लेने वाले थे लेकिन ये रोने वाला था, इसकी रोनत से अल्लाह की रहमत ने जोश मारा, इसके रोने से रहमत ने जोश मारा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पैसे भेज दिए तुम लोगों तक, मैं इसी का इंतजार कर रहा था, या अल्लाह को रोए तो तेरी रहमत जोश मारे और तू मेरा काम बने और मैं इनकी कर्ज उतारू, अल्लाह ने इस बच को रहमत बनाकर भेजा उसे रोया और तुम्हारा काम बने, तो रोना मेरे भाई इतनी कीमती चीज है कि अल्लाह की रहमत को फौरन खींच लेती है, इतनी बड़ी बात है,
कि जब दुआ मांगो तो जरूर रो, और रोना ना आए क्यों नहीं आएगा, तो दिल हमारा बना हुआ नहीं है, सख्त दिल है, हमें पता नहीं मांग क्या रहे हैं, क्या क्या अल्लाह ताला से, दिल जो सख्त हुआ। तो फरमाया जिस वक्त दुआ मांगो तो उस वक्त अल्लाह से तुम मांग रहे हो, इल्तिजा कर रहे हो, अपनी फरियाद कर रहे हो, तो उस वक्त खास कीमत यह है कि इस वक्त अल्लाह की रहमत को मुतवज्जा करो अपनी तरफ। वो सिर्फ एक चीज से होगी कि अपने आंखों से आंसू टपका दे तू अल्लाह का, सच्चा भिखारी बन जा। अगर अभी तेरा दिल नहीं बना हुआ, तू मेहनत पे लगा हुआ है, तो कम से कम इतना जरूर कर कि रोने वाली शक्ल जरूर बना ले अपने। अब बात मुखबत मनी बतन मेरे भाई, ऐसा दिल कौन कौन बनेगा, मेरा दिल कब बनेगा, आपका दिल कब बनेगा, आपको तो माशाल्लाह बना होगा, मैं अपनी बात करूँ, कब बनेगा, मेहनत चाहिए इसके लिए। और सिर्फ मेहनत क्या है, अल्लाह का जिक्र है जो दिल करते हैं, जिक्र जो रोना सिखा देते हैं। हदीस इतना ही में जब इंसान जिक्र करता है तो जिक्र की वजह से उसका दिल इतना नरम होना शुरू हो जाता है कि उसकी आंख में भीगना शुरू हो जाती है, प्यार लगी जाती है, पता चलता है इंसान का जिक्र हुआ है। तो मेरे भाइयों, या तो हम दुनिया में वेस्ट कर लें, या बस वो कितनी कितने बड़े इनामात हैं, और कितना एक अमल है, अब हम इतने अमल नहीं कर सकते, तहज्जुदों को नहीं पढ़ सकते बड़े बड़े, अब बार बार हाज उमरा हम नहीं कर सकते, तलावतें हम नहीं कर सकते, लेकिन इस मुकाम को हासिल कर रहे हैं, फिर भी बहुत आसान है कि अल्लाह के जिक्र को पकड़ लेना, ये कौन सा मुश्किल था, सब काम माइनस कर दें, हिम्मत नहीं हो रही, हम नहीं कर सकते, बिजी दुनिया में आ गए, मसरूफ हो गए, बूढ़े हो गए, वक्त नहीं रहा, कोई बात नहीं, अब भी मैं तेरे करीब हूं, सिर्फ एक काम कर, तू मुझे याद कर, मेरा जिक्र कर, बस कुल्ला क्याम वकऊदों वाला हजून भी हम, ऐसा याद करके चल रहा हो तब भी याद करे, बैठा हो तब भी याद करे, लेटा हो तब भी याद करे, अंडरस्टैंड दिए कि मुझे तो ऐसा बंदा पसंद है, खाने पीने वाले पसंद नहीं, कमाने वाले पसंद नहीं, खूबसूरत हसीन जवान पसंद नहीं, एक्सरसाइज वाले पसंद नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले पसंद नहीं, बड़े बड़े मकान वाले पसंद नहीं, बड़े अमीर पसंद, मुझे फिरौन पसंद होता, नमरूद पसंद होता नहीं, मुझे कौन पसंद है, कुछ चले भी तो मुझे याद करे, बैठे भी तो मुझे याद करे, लेटे भी तो मुझे याद करे, ये कैसे होगा, बस कुल्ला क़याम, ये उस वक्त होगा जब आपका दिल अल्लाह का जिक्र करने लगेगा, जाए किसी अल्लाह वाले के पास बैठे, अल्लाह का जिक्र सीखें, अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र सीखने से आपकी जिंदगी बन जाएगी, हमेशा दावत देता हूँ, वक्त ज़ाया ना करें, जितना ज़ाया करना चाहेंगे वक्त गुजरता चला जाएगा, कभी अल्लाह ने आपको इसी अल्लाह की मजलिस में भेज दिया, अल्लाह वाली की मजलिस में भेज दिया, वहां से खाली जाए ना, मुझे आज तक एक चीज पे अल्लाह का शुक्र करता हूं, वो सारी जिंदगी करूंगा, क्यामत तक करूंगा, कि मुझे पहली मुलाकात हजरत से हुई, मैंने जाया नहीं किया वक्त, उसी वक्त मैंने चेंज कर लिया अपने आप, एक सेकंड मैंने चेंज नहीं किया अपना, कि कल आ जाना चाहिए, परसों आ जाना चाहिए, तो सोच लेते हैं, इस्तखारा कर लेते हैं, मैं खत्म मामला, अब जन्नत सामने आ गई, जा जन्नत में दाखिल हो जा, आपके किसी छोड़ किसी, कभी जाय ना करो, आज की मजलिस में आप आए, अल्लाह ने आपको पैगाम दिया है कि जिक्र को पकड़ लो, पकड़ लो उसको, डूब जाओ उसके अंदर, खत्म करो बस अपनी जिंदगी को उसके ऊपर, ये है इंसान के काम बनने वाला, जिसने वक्त जाय किया, बात सुनी और चला गया, अगर आज मुझसे वो वक्त जाय हो जाता, मैं जाता हंसा हुआ बैठा, कोई मेरा ताल्लुक नहीं था, कोई मुलाकात नहीं थी, ना मैं उन तू जानता था, ना वो मुझे जानते थे, हजारों मील से चल के मैं यहां से गया उसके पास, तना बैठे तना चला गया, पूछा कौन है, मैं कहा जी फला हूं, किस लिए आया, मैं कहा वक्त आ गया मेरा, मैं जो लेने आए वो देंगे आप, कि दूंगा, सुभान अल्लाह, मैं ठीक है दे दें, दुनिया छुड़ा दें अल्लाह दे दें बस, खत्म, अगर वहां में कहते सोच लू ये सच्चे वली है कौन है, या सुस्तखारा कर लेते हैं, फला कर लेते हैं, शैतान तो भी शैतान है, उसे निकाल के ले जाना था मुझे, आज मैं यहां ना होता, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह पता नहीं किस पब में बैठा होता, किस गोरी से शादी की होती, क्या बच्चे होते रंगे मुलंगे, क्या हालात होते मेरी जिंदगी के, कितनी शराबें पी चुका होता, कितने जना कर चुका होता, सुभान अल्लाह, उस एक लम्हे ने एक सबाना सोहबत है, अल्लाह वाले का एक लम्हा इतना कीमती होता है, उसमें बैठ के आप उसको जाया ना करें, बस उसको पकड़ लें, आज आप लोग बैठे हैं,
गुफ्तगू हुई है, आदि सुनी है, दिल में उतर गई है, पकड़ लेकर तब्दील होकर ही जाऊंगा मैं खत्म। अब मैं इंसान बन के जाऊंगा, यहां तेरा जिक्र सीख कर जाऊंगा और जिक्र करूंगा इंशाल्लाह। फिर घबराने की जरूरत ही नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी बशारतें आई हैं। आप अपने शेख के मुताबिक जिक्र करें, फिक्र ना करें आखरत का, सब फिक्र। कितनी बड़ी बात है कि एक शख्स होगा तो कहे मिंबर पे नूह पे बैठा होगा, पता है कितनी बड़ी बशारत है कि नूर के मिंबर पर बैठा होगा, चौदहवीं की तरह चांद की तरह उसका चेहरा चमक रहा होगा नूर, क्योंकि वो नूर और नूर होगा। किस चीज का नूर होगा कि जो जिक्र से दुनिया में किया आज अल्लाह पूरी दुनिया को दिखा रहा है, इतना नूर है अल्लाह के नाम का। आपको बताऊं ये तो आज हम जो जिक्र करते हैं जज्ब हो रहा है हमारे अंदर, कल रोजे क़यामत में ये नूर निकलेगा। अब्बा आत्मा नूर आना वक्फ लाना सुना, कितना जबरदस्त बात, नूर निकलेगा पुरसरात में जो नूर भागे वो जिक्र का नूर होगा जो अंदर से निकलेगा। आप ये जमा हो रहे हैं अंदर, तो कहां से आएगा चेहरा किस तरह चमकेगा, वो नूर निकल होगा अल्लाह का जिक्र का। वो मिंबर कौन सा होगा नूर का, वो आपको जिक्र होगा जो आप करते थे हस्बुनल्लाह व निमल वकील, आपकी मजलिसें जाया नहीं जाएंगी, अंदर है वो आपके। और आज भी आप सुन लें, आज भी जिक्र करने वाले को आसमानों पर नूर वाले नजर आते हैं लोग, वो आज भी आप चमक करें याद रख लें। ये कमाल किसका है, शेख जिक्र रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि कमाल इंसान का नहीं है, कमाल अल्लाह के जिक्र का है जो इंसान को चमका देता है। देखो ये दुनिया है, दुनिया वाले रखना है, सब चीजों को पर्दे में रखा हुआ है, छुपाया हुआ है, लेकिन ये बशारतें हमें हदीस से मिलती हैं कि नहीं सुनो तुम क्या चीज हो, तुम ये हो हकीकत में, तुम कल बैठोगे नूर के मिंबर पे बैठोगे, तुम्हारे चेहरे चमकेंगे। कितनी बड़ी बात है, और कितनी बड़ी बात है कि जिस वक्त दुनिया परेशानी के आलम में होगी, इंतहा परेशान, जिसके परेशानी का मुकाबला कर नहीं सकते आप, उस वक्त तो मुतमिन आराम से बैठा होगा। ये जिक्र है तो चुटचो उसको, आज आज रिजल्ट ना मांगे जिक्र का। मैं आपको बता रहा हूं कि मजा नहीं आ रहा, दिल नहीं कर रहा, कोई कश्फ नहीं हो रहा, कोई हमें दर्जा नहीं मिल रहा, कोई खिलाफत नहीं मिल रही, आज दर्जा ना मांगे, कल इसका दर्जा देखें। जिक्र अल्लाह फरमाते हैं कि कल पता चल जाएगा कि ये फकीर खानकाओं में बैठने वाले क्या लेके चले गए दुनिया से। किताब में लिखे होंगे कि कल लोगों पूरी दुनिया को पता लगेगा कि खानकाओं में बैठने वाले गुरदीवी पोश, ये सादा लिबास पहनने वाले लोग, ये क्या लेके चले गए इस दुनिया से अंतर। यकीन है शैतान हमारे पीछे तो बस से डालेगा, क्या फायदा जिक्र का, क्या करना, आपको शेख से भी दुश्मनी पैदा करेगा, बस भी डालेगा, आप जम जाए कि अल्लाह के नबी से जो लफ्ज लिखे निकलती है जबान से बात, सुभान अल्लाह, बिल्कुल हक और सच बात होती है। नमाजिन तकुल्लानी हवा, हर बात जो नवाज जबान से निकलती है अल्लाह की ताइज से निकलती है अल्लाह के नबी की, कोई बशारत ऐसी नहीं जो नहीं होगी। तो क्यों सुस्ती करते हैं आप, चलें अपने आप से वादा करें कि आज के बाद अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ेंगे, जाएंगे किसी शेख से पूछिए मैं ये हालत है मुझे बताएं मैं कितना जिक्र करूं कैसे करूं, उस पर पाबंदी अख्तियार कर लें। कसम खा कहता हूं हदीसों को माने आप, इसी तरह इंशाल्लाह रोजे क़यामत में दर्जे मिलेंगे जिक्र। अल्लाह पाक मुझे भी आप तौफीक नसीब फरमाए, जो मेरी समझ में आई बुजुर्ग सुनी बातें थी आपकी पेश कर दी, अब आप हिम्मत आप भी करें, मैं भी हिम्मत करता हूँ कि अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत करें, दुश्मन की बात ना माने, शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है, वो कभी आपको जिक्र नहीं करने देगा, जिक्र से सुस्ती करेगा, वसवसे पैदा करेगा, दूर लेके जाएगा, गलतफहमी पैदा करेगा, सब कुछ करेगा। जब ये बातें समझाया करें आप जिक्र की एक मजलिस में बैठ के जिक्र की हदीस सुन लिया करें, आप सब खत्म हो जाएगा। उस बिल्कुल सादा हदीस मैंने आपको सामने पेश की है कि जो जिक्र करने वाले हैं कल अल्लाह ताला उनको ये मुकाम देगा जिक्र का। चलें अब दूसरी पढ़ें थोड़ा जिक्र करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीउल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लम। ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
یا شافی المراد شفاً برازن را یا شافی المراد شفاً صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و علی یوسف اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ